उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया की पहली पाली का आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, यह अभ्यर्थी परीक्षा देकर आ रहे हैं और इस वक्त मैं आगरा कॉलेज आगरा में हूं और ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा देकर आ रहे हैं। इनसे इस बार जानेंगे कि हम पिछली फरवरी में आपने एग्जाम दिया था और ये कैसा रहा, कौन से सवालों ने परेशान किया, आप बताइए कौन से सवालों ने परेशान किया इस बार। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे रहे, क्योंकि पहला पेपर भी लीक बहुत अच्छा, ये जो योगी बाबा का ये जो राज है बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। उस टाइम किसी वजह से मिस हो गया होगा तो उसके तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ। फरवरी में आपने एग्जाम दिया था मेरा उस टाइम कानपुर में गया था सेंटर। कौन सा टफ है, ये वाला या वो वाला? टफ तो दोनों से मैं लिया गया था, दोनों से मैं सुरक्षा अच्छा ही था, लेकिन अब किस कि कहाँ पे क्या चीज़ से चूक हो गया कि इसके वजह से वहाँ ये क्वेश्चन ये लीक हो गया था, लेकिन इस टाइम का बहुत ही बढ़िया रहा और जो नेक्स्ट आने वाला है उसका भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग उनसे अलग अलग राय लेंगे कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो पिछले एग्ज़ाम से कितना डिफरेंट रहा। थोड़ा सा पिछले वाले से हार्ड था, थोड़ी भाषा बदली होके आई थी, खासकर गणित और रीजनिंग की, जिसमें थोड़ा समय लग रहा था हल करने में, बाकी तो ओवरऑल ठीक था। सुरक्षा पिछली बार से बहुत अब बदल माना जा रहा है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या कुछ बदला देखा आपने? ग्राउंड पे तो ऐसे नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्राउंड पर नज़र नहीं आती, बाकी पुलिस व्यवस्था और जो केंद्र की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। रीजनिंग, मैथ या फिर इंग्लिश, किसने ज़्यादा परेशान किया या फिर कौन से ज़्यादा इजी है? पहले बताइए कहाँ से आई आप? मैनपुरी से। वो फरवरी वाला एग्जाम दिया था? यस मैम। और इस वाले में दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है, कौन सा टफ ज़्यादा है? सही है, दोनों सही है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम ठीक है। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से? आत्रा से। तो कैसा रहा एग्जाम पहले तो ये? सही हुआ था। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब सही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मीडियम से आदि करना कठिन है, सरल। पेपर बहुत अच्छा। आप बताइए कहाँ से आए हैं? बुरसान। क्या शुभ नाम लिखते हैं? इरिंद से हूँ। कैसा रहा एग्जाम पूरा? अच्छा रहा। कौन से सवाल ज़्यादा अच्छे से आपने हल कर पाए, कौन से कम कर पाए? रीजनिंग के ज़्यादा किए, मैथ के कम हो पाए। अभी आइए, आप भी बताइए, फरवरी वाला एग्जाम दिया था आपने? नहीं, उस बार दिए थे 18 वाला। तो इस वाला बहुत बढ़िया रहा, हम खुद बिहार से आए एग्जाम देने के लिए। बिहार से आए जी। सुरक्षा व्यवस्था कैसे रही, पहले वाला लीक हो गया? बहुत नहीं, इस बार तो लीक नहीं है, बढ़िया से एग्जाम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से एग्जाम दे सकते। अलीगढ़ से आया हूँ। क्या अच्छा रहा, कौन से एग्जाम जो मतलब सवाल थे जो जल्दी हल किए? आए थे नॉर्मल सवाल थे, मैथ का भी ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ बट थोड़ी जी के हार्ड थी। इस बार हिंदी के सवाल बड़े, हिंदी भी अच्छा है, हाँ सरल था पेपर। फरवरी वाले में इस बारे में कोई अंतर? बिल्कुल अंतर है। सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल अच्छी सुरक्षा है, हाँ बढ़िया। जो फरवरी में एग्जाम हुआ था वो आपने दिया था? हाँ दिया था। इस बारे में और उस बारे में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी तो कुछ नहीं है, वो वाला मेरे को बहुत इजी लगा था, ये थोड़ा सा हार्ड लगा था। किस सवालों ने परेशान किया, किस सब्जेक्ट? मैथ्स। हाँ। ओवरऑल देखा जाए तो कैसा लगा पूरा एग्जाम? बहुत अच्छा था। कहाँ से आई हैं? मथुरा से। क्या नाम है? तनु। सुरक्षा के लिहाज से एप्लीकेंट्स के हाथों से कलावे, धागे और राखियां गेट पर ही उतरवा दी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते आगरा में 27 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा फरवरी 2024 में आयोजित की गई थी, क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से नए सिरे से परीक्षा शुरू कर दी गई है। लोकल 18 के लिए आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।